अभी एक मतलब सैड वाली बात ये है कि हम लोग शुभम को इधर ही ड्रॉप करेंगे। हुगली में रह रहा है, उसके कॉलेज का कुछ काम है और मैं और विनय कराटे, तो वो अभी जाएगा। आप लोगों को मालूम पड़ सकता है कि मतलब ये मैं पोस्ट क्रेडिट में डाल दूंगा क्वेश्चन में, आप लोग देख लेना प्लीज़। लास्ट तक जो भी देखेगा उनको ये दिख जाएगा। मतलब 2-3-4 दिन साथ में थे और अभी चल रहे हैं तो मालूम पड़ सकता है। विचार केला पाहला मी गाडी का प्राइस अंदाज निघाले दॅट इज 40,000 40,000 इरबोदल फोर्टी थौसंड इरबोदल गाडी ही गाडी एस्ट बिडबोद अंत 7 लाख सा 7 लाख करे ने हे का शिफ्ट है तन मरे ले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे मालूम है कल एंड करते ही अगर किसी ने ये व्लॉग देख लिया तो आप लोगों को लगेगा कि कंटिन्यूएशन है। हाँ, कंटिन्यूएशन है। मैंने सिर्फ इसीलिए ये दूसरा पार्ट किया है क्योंकि मुझे वीडियो लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाने थे, क्योंकि बोर होता है वो देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं लोटस महल में, ऐसा कुछ है। सारे जगह सेम सेम, मतलब हम लोग को सारे पत्थर के जो हम लोगों ने देखे हैं अभी वो देख देख के ऐसा लग रहा है, मतलब आग बंद करेंगे तो अभी पत्थर ही दिख रहे हैं हम लोगों को। कल से कंटिन्यू हम लोग पत्थर ही देख रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ऐसे वाले पत्थर नहीं, अच्छे वाले पत्थर है। मैं ऐसा डीमोटिवेट नहीं कर रहा पत्थर को, नहीं। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट देन यू मे आई थिंक यू आर थिंकिंग इज़ रॉन्ग। मैंने ऐसा वाला पॉइंट कुछ नहीं मारा है, बस ऐसा बोल दिया कि मतलब हाँ पत्थर पत्थर पत्थर। अभी देखो आग बंद करो, मुझे पत्थर ही दिख रहे हैं पूरे। गाड़ी जाते वक्त भी रोड से साइड में भी सारा पत्थर का ही व्यू देखने जा रहे हो अभी पत्थर के। देखो मैं अभी आप लोगों को जैसे मेरा सिनेमेटिक शॉट्स है वो दिखा रहा हूँ। अभी इसको चेक करते हैं गाइस, आग बंद करके देखो क्या दिखता है। सब पत्थर दिखता है। तो गाइस ये है एलिफेंट स्टेबल। पुराने ज़माने में इधर एलिफेंट को इधर रखते थे। ये जो आप लोगों को दिख रहा है 1, 2, 3, 4 इधर, मतलब एक 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 एलिफेंट रहते थे इधर। हम लोगों ने उधर पूछा तो वो लोगों ने बोला है। तो जितने लोगों को मतलब हिस्ट्री वगैरह वो सब जानना है गाइस मेरे ब्लॉग देखो, ये वाला जानना नहीं, आप लोगों को देखना है तो देखो। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों को दिख जाएगा हम्पी। मतलब हम लोगों को मतलब हम्पी में सारे ऐसे यही प्लेस मिल गए, जिधर भी देखो देखो, मतलब इधर देखो इधर भी पत्थर ऐसे वाले ही पूरा टेम्पल्स। और इधर एक है, उधर भी देखो उधर भी ऐसे वाले पूरे टेम्पल्स। बस हम लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, अभी बज रहे कुछ, ये देखो 3:15 बज रहे हैं, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है अभी। शायद ये लास्ट रहेगा और ना, और एक विरूपक्ष टेम्पल बोल के है उधर जाएंगे। इस प्लेस के बारे में अगर आप लोगों को जाना है तो इधर पॉज करके आप लोग ये सारे मतलब सारा पढ़ सकते हो। सो फाइनली गाइस, हम लोगों का जितना घूमना था हम लोगों ने कवर कर लिया। और शाम को विरूपक्ष टेम्पल जाने वाले थे लेकिन हो नहीं सका क्योंकि बहुत बारिश आ रहा है इधर, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो अभी मतलब हम लोग एक डोमिनोज में आए हैं खाने के लिए, और हम लोगों ने मतलब लंच भी नहीं किया क्योंकि बारिश के रीज़न में। हम लोगों ने जोमेटो भी ऑर्डर कर रहे थे, उनका भी कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था इसलिए हमको खाना ही नहीं मिला। तो अभी आए हम लोग डोमिनोज, मैं इधर बैठा हूँ। कल जा रहे हैं हम लोग रिटर्न कारवा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यही बात बोल रहा हूँ मैं, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स का मतलब तड़प हो रही है पूरी। 1000 सब्सक्राइबर्स देखने हैं मुझे, वो सब्सक्राइब वाला जो रहता है सब्सक्राइबर्स उसमें 1K तो देखना है, मतलब खुशी मिल रही है डेली 1-1 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं उससे भी खुशी मिलती है, लेकिन और खुशी चाहिए मुझे। इधर ले, क्या कुछ नहीं, क्या ऑर्डर किया है भाई?
अभी नॉनवेज चिकन में बारबेक्यू, चिकन बारबेक्यू, पेपर चिकन बारबेक्यू और इंडियन पनीर बारबेक्यू और गार्लिक ब्रेड में और हॉट विंग्स, हॉट विंग्स भी ऑर्डर किया। ओके ओके, देखेंगे इस डोमिनोज का टेस्ट कैसा है। वैसे दो साल बाद कर रहा हूँ पिज्ज़ा, देखेंगे डोमिनोज खीर कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड देख रहा हूँ। तो गाइस ऑर्डर करके आए हैं और मतलब ऐसा भूख लगी है कि सुबह कितने बजे खाए थे हम लोग ने, 12 बजे सुबह, मतलब 12 बजे हम लोग ने कुछ ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेड ऑमलेट खाए थे और अभी बज रहे हैं 6:25। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि कितने घंटे हम लोग खाए नहीं, मतलब भूखे ही है। लंच करना चाहिए भाई, वरना बहुत सारा मतलब बढ़िया भूख लगती है। डोमिनोज में पिज़्ज़ा और चिकन विंग्स दोनों खा लिए और अभी हम लोग चल रहे हैं, मतलब हम थे हम्पी पे और ये हॉस्पिट बोल के और एक गांव है, उधर सारे दुकान वगैरह है। मैं दिखता हूँ आप लोगों का हाईवे। मतलब इधर लाइटली बारिश भी हो रही है तो हम लोग ऐसे ही स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग सारे हिस्टोरिकल प्लेसों से रिकवर कर लिए। अभी सोचा कि ऐसे मतलब थोड़ा सिटी में घूम लेते हैं, वैसे भी हम लोग कल जाने वाले हैं और कब आएंगे इस गांव में पता नहीं। इस अंकल ने तो मुझे डरा दिया यार। ऐसे ही अभी कुछ रोड साइड वगैरह कुछ बजी वगैरह कुछ मिल जाएगी तो खा लेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा लास्ट डे और हम लोग जा रहे हैं रिटर्न कारवार। तो हो गया हमारा ट्रिप जो कि था हम्पी। हम लोगों ने एंजॉय भी किया, इट वॉज फन विद द फ्रेंड्स। अरे मज़ा आया ना, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी बहुत कंटेंट मिला होगा, तो ऐसे लाइक शेयर करते रहे, कमेंट भी करते रहे ऐसा लगा करके, और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। और भी बहुत ट्रिप्स आएंगे ऐसे ही मिलजुल के, बहुत अच्छा लगा। तो पता नहीं अब अगले कब मिलेंगे, क्योंकि थोड़े लोग बोल रहे हैं कि अब फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। और शुभम विनय को तो मिलते रहूँगा मैं, क्योंकि हम लोग कारवार में रहते हैं और शुभम रहता है हुगली में, तो उतना फिर से कब मिलेंगे मालूम नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। हुगली को दूर की बात नहीं है, बस 2-3 घंटे का रास्ता है हमारा। अगर दूसरा कुछ ट्रिप मिले प्लान हुआ तो फिर से मिलेंगे एक साथ। तो अभी फ़िलहाल गाइस हो गया हमारा ट्रिप, विनय अंदर है। और अगर आप लोगों को इस प्रॉपर्टी में आना है तो मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो तो कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपको जानना है, वरना मैं नंबर दे दूंगा, क्योंकि मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बात में। दिस इज़ वेरी मतलब अच्छी प्रॉपर्टी है, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप लोग इधर स्टे करोगे तो आप लोगों को मतलब जिधर जाना है वो सारे जगह आप लोगों को नज़दीक हो जाएंगे। और अगर आप लोग थोड़े बाहर ठहरोगे तो मतलब स्टे होम से आप लोगों को जो टूरिस्ट प्लेसेस है उधर जाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अभी चल रहा है, घर की भी याद आ रही है, 2-3 दिन हो गए मुझे, मतलब बहुत दिन मैं घर से बाहर नहीं रहता हूँ। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है माँ बापा के साथ। मिलेंगे, मिस कर रहा हूँ, जाएंगे आज मिल जाएंगे, तो मैं
ब्लॉग इस ब्लॉग को इधर एंड करता हूँ और डायरेक्टली अपने जो डेली ब्लॉग अपने घर के वो शुरू हो जाएंगे कल से। स्टे ट्यून्ड। मेरी माँ भी मेरी मुझे मिस कर रही है, माँ पापा, क्योंकि मैं एक बार मतलब कॉलेज के लिए भी बाहर गया था लेकिन मुझे हुआ नहीं, वो एक महीने में रिटर्न आ गया मैं कॉलेज छोड़ के, इसलिए मैं बहुत दिन बाहर रुकता नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। अगर आप लोग इधर तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाओ, और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। हाँ, मुझे इधर आने के दो दिन में कुछ 20 न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हुए हैं हमारे चैनल में। थैंक यू, ऐसे ही जुड़ते जाओ, अच्छी फैमिली बनाएंगे और डेली व्लॉग भी अपडेट करते रहेंगे और जुड़ते जाएंगे एंड एक दिन बड़ी फैमिली कर देंगे। तो फिलहाल चलते हैं गाइस, हम लोगों को पैकिंग भी करना है। बाय बाय। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में जो कि होगा कारवार में और अपने घर में। सो फाइनली गाइस वी रीच टू हुबली, बैक टू हुबली, और विनय और मैं स्वीट ले रहे हैं फैमिली के लिए, मतलब घर लेके जाने के लिए। और अभी एक मतलब सैड वाली बात ये है कि हम लोग शुभम को इधर ही ड्रॉप करेंगे, हुबली में रह रहा है, उसका कॉलेज का कुछ काम है और मैं और विनय कराटे, तो वो अभी जाएगा। आप लोगों को मालूम पड़ सकता है कि मतलब ये मैं पोस्ट क्रेडिट में डाल दूँगा क्वेश्चन में, आप लोग देख लेना प्लीज़ लास्ट तक जो भी देखेगा उनको ये दिख जाएगा। मतलब दो तीन चार दिन साथ में थे और अभी चल रहे हैं तो मालूम पड़ सकता है। तो जैसे मैंने बोला था शुभम के इधर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं हुबली में। मिस यू ब्रो, आई विल मिस यू, प्लान द नेक्स्ट टाइम वेरी सून, घूम कर आता है। मिलते हैं गाइस और जल्दी मिलते हैं कारवार में, देखते हैं और कब जाना है ट्रिप। एंजॉय कीजिए व्लॉग्स, अभी कारवार तक व्लॉग्स होगा गगन का। तो हो गया इतना ही, इसको इधर एंड करते हैं, पोस्ट सीन में डाल दूंगा मैं ये सारे सीन। तो अभी बारिश भी आ रही है, सो बाय बाय बाय। नाइस टू मीट यू, हैव अ ग्रेट प्लान।